JEE 2019 में एल्कीन चैप्टर से क्वेश्चन आया, ये एक्चुअली एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के हेडिंग से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि विच हाइड्रोजन इन कंपाउंड ई, ये है कंपाउंड ई, दिस इज कंपाउंड ई। उन्होंने कहा विच हाइड्रोजन इन कंपाउंड ई इज इजीली रिप्लेसेबल ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। कंपाउंड क्या है? CH3CH2 CH2, यह है ब्यूट वन ई, ठीक है ना। और इनके कार्बनों का इन्होंने नेमिंग कर दिया, हाइड्रोजनों की नेमिंग कर दी है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा हाइड्रोजन्स, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने चार ऑप्शन दिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऑफ कोर्स। तो कौन सा हाइड्रोजन ब्रोमिनेशन के दौरान रिप्लेस होगा, मैं आपको बताता हूं कि आप देखें ये जो कार्बन है ना, दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन। कोई भी कार्बन, कोई sp3 कार्बन जो पाई बॉन्ड का पड़ोसी होता है, डबल बॉन्ड का पड़ोसी होता है, ऐसे sp3 कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोल देते हैं, ठीक है ना। कार्बन sp3 होना चाहिए, नाम भी होता है ऐसे, जैसे मान लो ये ले लिया OH तो हम बोलते हैं एलाइल अल्कोहल, ठीक है ना। ये ले लिया क्लोरो तो हम बोलते हैं एलाइल क्लोराइड। ये नाम IUPAC में एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये नाम कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, एलाइलिक पोजिशन ये होती है। अच्छा, अगर मान लो कार्बन ज़्यादा हो, ठीक है ना, मान लो ये कार्बन ऐसे हो गया 1, 2, 3 और इसके बाद डबल बॉन्ड 4, तो आपको तो क्या करना है, ये जो sp3 कार्बन है ना, ये जो sp3 कार्बन है, बस इसी को आपको बताना है कि ये एलाइलिक कार्बन है। बस डबल बॉन्ड के पड़ोस में जो कार्बन होगा वो एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। इसके आगे पीछे भी चेन लंबी हो तो चलेगा, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो एलाइलिक हाइड्रोजन कहलाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपने लाइट की प्रेजेंस में, देखो अगर आपने इसको ब्रोमीन दिया होता डायरेक्ट तो एडिशन रिएक्शन हो जाती, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर 1-2 एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आपने इसमें लाइट दे दी, यूवी लाइट यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट दे दी, जिसकी एनर्जी होती है hν, जहाँ h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो अब ये रिएक्शन फ्री रेडिकल के रास्ते से होएगी, इंटरमीडिएट विल बी ए फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड पर स्टेबल नहीं होते, लेकिन सैचुरेटेड कार्बन पर स्टेबल होते हैं। मतलब फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल एट सैचुरेटेड कार्बन एज कम्पेयर टू स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल एट अनसैचुरेटेड कार्बन। अब आप मुझे एक बात बताएं, हमारे पास दो सैचुरेटेड कार्बन्स हैं, एक है एलाइलिक कार्बन और एक है उसके पास वाला कार्बन। हमारे पास फ्री रेडिकल बनाने के लिए ये दो सूटेबल जगहें हैं, ठीक है ना। अगर मैं फ्री रेडिकल बनवाता यहाँ पर इस कार्बन पर तो ज़्यादा स्टेबल होता, या अगर मैं फ्री रेडिकल बनवाता इस कार्बन पर तो ज़्यादा स्टेबल होता। ये ज़्यादा स्टेबल है, वाई? बिकॉज इट इज़ एलाइलिक। तो एलाइलिक होने से क्या फ़ायदा हो गया भाई, एलाइलिक होने से इसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिली है। दिस कार्बोनेट, दिस फ्री रेडिकल इज रेजोनेंस स्टेबल एंड दैट इज द रीजन इट इज मोर स्टेबल, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बात? तो जब रिएक्शन होएगी तो फ्री रेडिकल क्योंकि यहीं पर बना था तो ब्रोमो भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में आएगा, तो यहीं पर ब्रोमिनेशन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं सबसे ज्यादा सूटेबल हाइड्रोजन कौन सा है रिप्लेस होने के लिए। ये इसका नाम उन्होंने रखा है अल्फा, इसका नाम उन्होंने रखा है बीटा, इसको गामा बोला है और इसको डेल्टा बोला है। बताएं सबसे ज़्यादा सूटेबल हाइड्रोजन है गामा। व्हाई? बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल, द कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म्ड विल बी मोस्ट स्टेबल। यू गेट माई पॉइंट? एंड दिस इज द रीजन दिस विल बी, हियर विल बी द सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे बाद में हम। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बात? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी गामा हाइड्रोजन। गामा हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड मोस्ट इजीली ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, नोट करें इसको।